पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अवैध निर्माणों को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण लगातार सख्त नजर आ रहा है। प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा में कोई भी अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। प्राधिकरण सचिव अंजुलता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो लोग नक्शा पास कराकर भवन का निर्माण कर रहे हैं वो अपने निर्माण स्थल पर नक्शे का फोटो और नक्शा पास का पूरा हवाला चस्पा करें ताकि वो आने वाली परेशानियों से बच सकें। साथ ही ऐसे लोगों को भी आगाह किया है जो प्राधिकरण में अपनी पैठ दिखाकर मनमानी कर रहे हैं, उनको भी चेतावनी जारी कर दी गई है। भवन निर्माण करने से पहले मानचित्र स्वीकृत अवश्य करा लें। अगर आप कहीं पर प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस जमीन के प्रपत्र आवश्यक चेक कर लें, क्योंकि कुछ भूमाफिया भोली भाली जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई को हड़पना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों पर अंकुश लगा रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा अपील की गई है कि मानचित्र स्वीकृति के बाद ही भवन का निर्माण करें। अभी 31 मई को एक आदेश के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रवर्तन प्रभारी का चार्ज मुझे दिया गया है, तो मैं एज ए सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और एज ए प्रवर्तन प्रभारी में मुरादाबाद की जनता से यही अपील करूंगी कि आप कोई भी निर्माण एक तो बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए ना करें, और नंबर दो, अगर आप निर्माण मानचित्र स्वीकृत करा के करा भी रहे हैं तो मानचित्र से डेविएशन नहीं करें। जो आपका मानचित्र स्वीकृत हुआ है उसी के अनुसार आप शुरुआत से ही उसको आप निर्माण कार्य कराना शुरू करें। और नंबर तीन, आप जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं वहाँ पर एक बोर्ड इस आशय का अवश्य लगाएं कि ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो प्राधिकरण से मानचित्र संख्या ये इस दिनांक को सैंक्शन होने के बाद ही कराया जा रहा है, ताकि यहाँ से जो टीम जाए तो उसको पता रहे कि कौन सा निर्माण इलीगल हो रहा है और कौन सा निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरांत हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैं जनता से ये भी अपील करूंगी कि आप कहीं भी कोई भूखंड इत्यादि खरीदते हैं तो वो लेआउट प्राधिकरण के स्तर से सैंक्शन है अथवा नहीं है इस बात की तस्दीक प्राधिकरण कार्यालय से कर लें, और जहां कहीं भूमि इत्यादि अपने व्यक्तिगत खरीद रहे हैं तो उसके भू उपयोग की जानकारी प्राधिकरण स्तर से एक बार प्राप्त कर लें। अन्यथा फिर स्थितियों में जब प्राधिकरण से प्रवर्तन की कार्रवाई होती है तो आप लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस तरीके की खबरें भी सुनने में मिली हैं, तो बहुत सारे लोग एक तरीके से बिचौलिए का कार्य कर रहे हैं या दलालों के रूप में फर्जी पत्रकार बनके भी ये लोगों के निर्माण कार्यों को जाके वहां पर ये कहते हुए कि प्राधिकरण में हमारी अच्छी पैठ है और हम इस निर्माण कार्य को रुकवा देंगे, सेटल डाउन करा देंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। ये प्राधिकरण जो भी कार्रवाई करता है नियमानुसार करता है। प्राधिकरण कोई भी शुल्क इत्यादि जमा कराता है तो प्राधिकरण के अकाउंट में ऑनलाइन ही जमा होता है, और हमारे यहाँ पे मैप सेंशन इत्यादि की कार्रवाई भी ओबी पास के माध्यम से ऑनलाइन ही होती है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। कहीं भी किसी मसले में आपको संशय है तो प्राधिकरण में आके निसंकोच आप पूछ सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।